बच्चों, आज हम रेखा और रेखाखंड सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज से मिलवाती हूँ, वह है बिंदु। बिंदु जानते हो? बिंदु मतलब होता है छोटी बिंदी, मम्मी लगाती है माथे पे बिंदी, दीदी लगाती है ना। रेखाखंड रेखा गणित बनाएंगे हम लोग। ये देखो, छोटी सी गोल होता है, छोटा सा गोल बिंदु, और इसको दिखाने के लिए हमने इसको क्या किया है, कोष्टक में रखा हुआ है। तो हमारा पेंसिल का जो नुकीला भाग होता है, पेंसिल को मस्त छीलने के बाद जो नुकीला आता है, उससे हम बनाते हैं बिंदु को ऐसा। पेंसिल का नुकीला भाग जितना पतला रहेगा, उतना छोटा और सुंदर बनेगा हमारा बिंदु। बिंदु की परिभाषा, बिंदु एक ऐसी रेखा है जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। आप लोग को इसकी लंबाई दिख रहा है? कोई लंबाई नहीं है बिंदु की, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई भी नहीं है। पेंसिल का नुकीला भाग बस ऐसा छोटा सा हम अपने कॉपी में रखेंगे और ये बिंदु बन जाता है। ऐसा रेखा जिसकी कोई लंबाई और कोई चौड़ाई नहीं होती। अब हम रेखा खींचते हैं तो बिंदु की सहायता से खींचते हैं। देखो यहाँ बिंदु है, बिंदु बिंदु को मिलाएंगे हम लोग। बिंदु बिंदु को यह लाइन से यहाँ पे बिंदु है, देखो 1 2 3 4 है ना। तो इस बिंदु को हम मिलाएंगे ऐसा, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है ये सीधी लाइन खिंचाया है? यही क्या है, हमारा रेखा है। क्या है? रेखा। रेखा कैसा बना जी? बिंदु 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 को हमने क्या किया, मिला दिया है। बिंदु को मिलाया, सीधी लाइन खींची हम लोग, क्या बन गया, रेखा। रेखा का क्या विशेषता है? रेखा की विशेषता ये है कि हम इसे आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। जितना हमारा मन है, जितना हमारा मर्जी है, उतना हम आगे रेखा को बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, इधर से भी। रेखा आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे की ओर भी बढ़ेगा। दोनों तरफ से बढ़ाएंगे हम लोग, जितना चाहे हमारी मर्जी हम बढ़ा सकते हैं, चाहे हम आगे से बढ़ाएं या पीछे से बढ़ाएं। ठीक, अब हमारा आता है रेखा खंड। क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? हमारा रेखा का खंड होता है। खंड मतलब भाग, एक टुकड़ा। ठीक है, हमने इसको नहीं नापा है क्योंकि रेखा खींचता था, हमने खींच दिया, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा, रेखा खींचो, हमने खींच दिया। चाहे हम, हमारी मर्जी, चाहे हम जितना लंबा खींच सके। ठीक है, लेकिन हम हमको बोलते हैं कि रेखा खंड खींचो। तो रेखा खंड खींचने के लिए हमको निश्चित माप मिलेगा कि 5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचो। खंड इसलिए बोलते हैं, रेखा का ही भाग है वो, रेखा खंड। 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचो, 10 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचो, ऐसा हम लोग को निश्चित माप दिया जाएगा, तब हम खींचेंगे रेखा खंड। रेखा खंड को हम नहीं बढ़ा सकते। हमको 10 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचने के लिए बोला गया है, तो हम 10 सेंटीमीटर ही खींचेंगे, उससे कम नहीं खींचेंगे और नहीं ज्यादा नहीं खींच सकते हम लोग। 5 सेंटीमीटर का बोलेंगे तो 5 सेंटीमीटर का ही हम रेखा खंड खींचेंगे। मैं आपको खींच कर बताती हूँ। रेखा खंड खींचने के लिए हमें एक पंप चाहिए, स्केल। क्या चाहिए? स्केल। स्केल तो पढ़ना आता है आप लोग को, मैं बता देती हूँ।
यहाँ पे है स्केल में लिखा रहता है सबसे पहले जीरो, जीरो से हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा है एक, तो जीरो से एक लिखा है वो हमारा एक सेंटीमीटर, जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे और आगे जाएंगे दो में तो दो सेंटीमीटर, इसी प्रकार तीन में जाएंगे तो तीन सेंटीमीटर, चार में जाएंगे तो चार सेंटीमीटर, पाँच में जाएंगे तो पाँच सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आया दस, तो हमारा स्केल के जो सबसे पहला भाग है जीरो से लेकर ये दस तक का नंबर आएगा तब हमारा दस सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ स्केल आप लोग को याददाश्त के लिए कि एक और दो के बीच में एक एक सेंटीमीटर का गेप है, दो से तीन के बीच में एक सेंटीमीटर का अंतर है, तीन और चार के बीच में एक सेंटीमीटर का अंतर है, सबके बीच में एक एक सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है। और इसके बीच में कितनी लाइनें हैं, छोटी छोटी पतली पतली, दस है ना। तो गिनने के लिए हमको क्या होता है कभी कभी पाँच सेंटीमीटर पॉइंट चार खींचो ऐसा आता है, तो हमको यहाँ से गिनना पड़ता है, और गिनने के लिए जो पाँच है हमको आसानी होगी करके पाँच वाली लाइन को क्या किया है थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि हमको गिनने में आसानी हो, पाँच गिनती कर सकें। और फिर जब दस वाली लाइन होती है वो क्या है थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और वहीं पर लिखा हुआ है नंबर हमारा, ठीक है। जैसे कि एक है, एक से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी बड़ी लाइन है, गिनो तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच वाली लाइन थोड़ी लंबी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर दस वाला लाइन जहाँ पे एक लिखा है वो ज़्यादा लंबा है और वहाँ पे नंबर भी लिखा है, मतलब हमारा यहाँ पे एक सेंटीमीटर पूरा हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो सब में वैसे लिखा है, ये बड़ी लाइन इसलिए दी है बीच में ताकि हमको गिनती गिनने के लिए आसानी हो पढ़ने में। तो हम आपको रेखाखंड खींचना बता रहे थे, तो हम जीरो से दस सेंटीमीटर का खींचते हैं, तो खींचेंगे कैसे हम, मैंने बताया था बिंदु, कोई भी आकृति जब हम बनाएंगे हमारी रेखा गणित में तो बिंदु की मदद से ही आकृति बनेगी। देखो यहाँ पे जीरो है, हमने यहाँ पे जीरो पे बिंदु लगा लिया छोटा सा, और ये दस है, बिल्कुल इसके सीधी लाइन में रहेगी, और ये दस में हमने क्या किया बिंदु लगा लिया। अब इसको हम दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, दोनों बिंदु को मिला दिए, अब स्केल को हम हटा दिए, देखो बिल्कुल सीधी खींची है, ऐसे खींचते रेखाखंड, और इस बिंदु को हम नाम देते हैं, तो इस बिंदु को क्या नाम देंगे अपनी मर्जी, आपको जो भी नाम देना आप दे सकते हैं, अ ब स द कुछ भी, या ए बी सी कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं क ख ग, कुछ भी डाल सकते जो आपको मन हो। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अ, पहला बिंदु को देती हूँ मैं अ, और दूसरा बिंदु को लिख देती हूँ ब, अ और ब, हमारी मर्जी हम बिंदु का नाम अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन ये जो क्या खींचाया है रेखाखंड खींचाया है, तो इस रेखाखंड का नाम बताएंगे क्या बताएंगे कि अ ब दस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को पूरा सेंटीमीटर ना लिख कर मैंने लिखा है छोटा रूप, से के बाद गोला लगाया है, बिंदु डाला है यहाँ पर भी, इसका मतलब पूरा पढ़ेंगे हम सेंटीमीटर को पूरा ना लिख कर यहाँ पे अगर हम ऐसा निशान लगा देंगे तो मीटर सेंटीमीटर है ना। तो ये आपका दस सेंटीमीटर का क्या है रेखा खंड है, लिखते हैं रेखा खंड, यही था। ये आपका रेखा खंड बन गया। तो बच्चों हमने देखा बिंदु रेखा और रेखा खंड, रेखाखंड आप कॉपी में खींच कर देखना स्केल की सहायता से, ठीक है। हमने सीखा देखो बिंदु बिंदु से बनती रेखा, बिंदु बिंदु
रेखा और तुम।